आज मैं आपके सामने चॉकलेट चिप्स कुकीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें ना तो हम ओवन के यूज करेंगे और ना ही सोडा, और बिल्कुल परफेक्ट चॉकलेट चिप्स कुकीज़ हमारी बनके तैयार होंगी, बिल्कुल खस्ता, और इसे लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अमिता और अमिता मोदीज किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यह मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें डाल देंगे 50 ग्राम बटर। यह होममेड बटर है फ्रेंड, इसको मैंने घर पे ही बनाया था, और ये सॉल्टेड बटर है, तो इसमें हम बाद में नमक का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें मिला देंगे हम पाउडर शुगर, या 50 ग्राम बटर में 100 ग्राम पाउडर शुगर हम इसमें मिला देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सिंग बाउल में। 2 मिनट तक ही हमें इसको मिक्स करना है, बिल्कुल स्मूथ इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा मिक्स हो गया है दोनों चीज़ें, और ये बिल्कुल मलाई जैसी स्मूथ हो गई हैं। इसके बाद इसमें हम इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें डाल देंगे 2 कप मैदा। अगर ग्राम से नापेंगे तो 200 ग्राम मैदा है, तो ये जो मेजरमेंट हमारा रहेगा फ्रेंड, 50 ग्राम बटर, 100 ग्राम इसमें पाउडर शुगर और 200 ग्राम मैदा, और इसमें मिला देंगे हम 2 चम्मच कोको पाउडर, और इसे भी अच्छे से छन्नी से हम छान लेंगे, और साथ में जाएगा यह 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसमें हम सोडा का यूज़ नहीं करेंगे, और बिना सोडा के ही बिल्कुल खस्ता बिस्किट हमारे बनके तैयार होंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सिंग बाउल में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और इसे हम अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। यदि हमें लग रहा है कि स्पैचुला से हमारी अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो इसको हटा के हम हाथ की सहायता से इसे मिक्स कर लेंगे, और ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। यदि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो डो तैयार हुआ है वो थोड़ा सा टाइट है, तो 2 चम्मच इसमें हम दूध भी मिला सकते हैं, इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, हमारा मिक्सचर भी अच्छे से हो गया है तैयार। हाँ, तो मैं लेके हम देख लेंगे। हाँ, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो छोटी सी लोई बना के हाथ से तैयार कर लेंगे इस तरीके से। आप इसे किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं, ओवल में भी तैयार कर सकते हैं, सर्कल में, या किसी भी शेप में आप इसे मोल्ड की सहायता से भी आप इसे बना सकते हैं। और ये चोको चिप्स हैं, इसमें हम लगा देंगे फ्रेंड। ये जो चॉकलेट चोको चिप्स हैं बहुत ही अच्छी लगती है, और बिल्कुल झटपट बन के तैयार हो जाती हैं। इन्हें बनने में बिल्कुल समय नहीं लगता, 15 मिनट का ही समय हमें इसे बनाने में लगेगा। और ये देखिए, बिल्कुल तैयार हो गई हैं सारी चोको चिप्स, इसमें हम लगा देंगे। इस तरीके से हम दूसरी लोई भी बना के तैयार कर लेंगे। सेकंड लोई भी मैं आपको इस तरीके से बना के बताती हूँ। ये देखिए, यदि हमें लग रहा है कि हमारी लोई थोड़ी सी क्रैक हो रही है, ठीक से नहीं बन रही है हाथ में आने के बाद, तो 2 चम्मच दूध इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने चोको चिप्स भी ये लगा दी है इस तरीके से। देखिए कितनी बढ़िया, देखने में भी ये अच्छी लग रही हैं, और खाने में तो अच्छी लगेंगी ही। देखिए इस तरीके से मैंने सारी चोको चिप्स अपने बिस्किट में लगा दी हैं। सारे बिस्किट हमने तैयार कर लिए हैं। दूसरी साइड देखिए, ये हमारी गैस की तरफ चलते हैं, तो मैंने पहले से प्री हीट कर ली थी अपनी कढ़ाई को 5 मिनट। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, हमें किसी भी चीज़ में, चाहे ओवन हो चाहे कढ़ाई हो, जब भी हम बेकिंग कोई भी आइटम बनाते हैं उसको प्री हीट हमें ज़रूर करना है। तो लो फ्लेम पे ही मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। अब ये 5 मिनट हो गए हैं, हमारी कढ़ाई भी अच्छे से प्री हीट हो गई है। इसका ढक्कन हम हटा देंगे और इसमें रख देंगे अपनी बिस्किट की प्लेट को। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इसे सेकना है, अपनी गैस की फ्लेम को हमें तेज़ नहीं करना, और 15 मिनट बाद ही हमारे बिस्किट बिल्कुल बनके तैयार हो जाएंगे। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, और ये हमारे बिस्किट भी अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया ये बिस्किट हमारे बनके तैयार हुए हैं, खस्ता बिस्किट बनके तैयार हुए हैं, बिना ओवन बिना सोडा। आज हमने इसे बिल्कुल कम सामान में ही बना के तैयार किया हुआ है फ्रेंड। यदि आपको मेरी ये चोको चिप्स बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।